नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों ये मेरी पियानो की दूसरी एपिसोड है, सेकंड। तो मैं इस तरह से मैं कंटिन्यू अब पियानो का भी एपिसोड डालता रहूंगा। तो आप पियानो सीखने वाले जो भी लोग हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े और दोस्तों पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों मैं छोटे छोटे पार्ट में बताऊंगा और बहुत इजी प्रोसेस होगी, तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और उसे देखकर आप प्रैक्टिस करें। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था 1-6 लेसन, जो सिर्फ पाँच ही नोट्स था, पाँच नोट्स और पाँच फिंगर, CDEFG, ये पांच नोट्स थे और ये पांच फिंगर थी। आज हम लोग सी से C4 तक जाएंगे, क्योंकि हम लोग C3 से स्टार्ट करते हैं। 5 ऑक्टेव की कीबोर्ड होती है तो C3 मिडल होता है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं, तो उसे C3 मानते हैं और C4 तक जाएंगे। जैसे कि हिंदी में सारे ग म प ध नि सा बोलते हैं, उसी तरह कीबोर्ड में पियानो में CDEFG ABC होता है। तो 5 नोट्स तो मैंने बता दिया था पहले, उसके लेसन हमने 6 तक 1-6 हमने बताया था। अभी मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूं। तो देखिए इसमें होता क्या है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1-6 लेसन, बाद में आप धीरे धीरे उसको दोनों हाथ से बजाएंगे, लेकिन अभी नहीं। देखिए बजाएंगे क्या, सब आप बजाएंगे लेकिन धीरे धीरे। आज जो मैं बता रहा हूं सी से लेकर सी तक, तो देखिए कैसे बजाएंगे। इसमें फिंगर नंबर दोस्तों बदल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा फिंगर नंबर, जैसे अभी हमने बताया था क्या पहले लेसन में 1-6 में CDEFG 1-2-3-4-5 इतना हमने बताया था कि इसको बजाना है, ऐसा हमने बताया था। लेकिन अब मुझे हम लोगों को यहां तक जाना है, यानी कि फिंगर पांच ही है और कीज बढ़ गए, तो अब कैसे होगा ये? तो इसके लिए फिंगर नंबर बदल जाएगा। सिर्फ फिंगर नंबर अब हो जाएगा 1-2-3 1-2-3-4-5। देखिए इस तरह से 1 फिर 2 फिर 3, और इसको यही रखेंगे दोस्तों, ये ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे मूव कर ये 1 से टाइम इस तरह करना है। देखिए फिर से एक यहाँ आया 3, और जब 1 को यानी थंब को यहाँ ले जाएंगे तो इस तरह करेंगे, और फिर उसके बाद 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो कैसे बजेगा देखिए, अब देखिए CDEFG ABC, फिर वापस लौटेंगे सेम CDEFG ABC, और फिंगर क्या हो गया दोस्तों 1-2-3, उसके बाद इस तरह मूव करेंगे, प्रेस ही रहेगा, ये मूव करेंगे, फिर 1-2-3-4-5, सेम वापस लौटेंगे 5-4-3-2-1, उसके बाद इस तरह मूव करेंगे 3-2-1, यानी क्या हो गया अब ये 1-2-3 फिर 1-2-3-4-5, लौटेंगे 5-4-3-2-1 3-2-1। तो इसकी दोस्तों प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, तो कैसे कैसे करेंगे आप धीरे धीरे आप करेंगे इस तरह से। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया, फिर से एक बार दिखा रहा हूं CDEFG ABC,
सी डी ए जी एफ ई डी सी। तो दोस्तों ऐसी प्रैक्टिस बहुत करेंगे, बट लास्टली ये वो जाना चाहिए ऐसा करेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा ऐड और कर लेंगे एक लेसन को, और इसी को डबल डबल करेंगे, यानी इसमें मैं दो लेसन बता रहा हूं, लेकिन मेन बेसिक सिंगल वाला ही है। इसमें मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या, उसी का डबल, सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी ए ए बी बी सी 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 बी बी ए ए जी जी एफ एफ ई ई डी डी सी सी। फिर से देखिए, देखिए मैं जब सेकंड कर रहा हूं तो वो प्रेस रहता है, ये नहीं होता कि ऐसा नहीं होता है, सेकेंड टाइम में प्रेस रहता है। एक बार फिर से देखिए, देखिए प्रेस है, ये प्रेस है। लेकिन इसके पहले वो जो सिंगल होता है ना, इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा करें, मेन ये है। तो दोस्तों मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो क्या करना है, 1 to 6 को छोड़ना नहीं है, जो पहले लेसन है 1 से लेकर 6 तक उसकी प्रैक्टिस करनी है, काफी फ्लेक्सिबल होती है फिंगर उससे। फिर उसके बाद अभी ए लेसन 7 और 8 होगा, तो फिर 7 की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, लेसन 7 की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, और थोड़ा सा उसमें 8 को ऐड कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।